बच्चों, नीति के दोहे क्या हैं इसे सुनिए। वास्तव में हम सब एक समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हम और समाज के अन्य व्यक्ति सुखपूर्वक कैसे जिंदगी बिताएं, ये हमको शिक्षा नीति से मिलती है। कबीर कुछ नीति के दोहों में ये चर्चा करते हैं। संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही बेधिया शीतलता न तजंत। यद्यपि कबीर ग्रंथावली में इस दोहे की दूसरी पंक्ति का जो प्रथम चरण है उसका पाठ मिलता है चंदन भुजंगा बैठिया, अर्थ में तो विशेष अंतर नहीं है, आइए उस पर विचार करते हैं। जो सज्जन है, जो संत हैं, जो साधु स्वभाव के हैं, वे किसी भी स्थिति में अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं। कितने भी असंत मिल जाएं, कितने भी दुर्जन मिल जाएं, कितने भी दुष्ट उनके स्वभाव को बदलने की कोशिश करें, किंतु संत तो अपने सहज स्वभाव में संत रहते हैं। चंदन के वृक्ष में कितने ही सर्प लिपट जाएं, सर्प अपना जहरीला स्वभाव क्यों ही न चंदन को देने लगे, लेकिन चंदन जहर के कारण गर्म नहीं पड़ेगा, जहरीला नहीं होगा। चंदन का सहज स्वभाव शीतलता है, अपना स्वभाव ठंडक है, इसलिए चंदन में ठंडक तो बनी ही रहेगी। जो सज्जन है वे तो दुर्जनों की दुर्जनता से प्रभावित नहीं होते, उनकी अपनी सहज सज्जनता हर स्थिति में बनी रहती है। संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत, संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही बेधिया शीतलता न तजंत, शीतलता न तजंत, शीतलता न तजंत। दुर्बल को न सताइए जा की मोटी हाय, मुई खाल की स्वास सो सार भसम हुई जाए। दुर्बल को ना सताइए जा की मोटी, भसम होई जाए। कबीर दास जी के इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने से असहाय और दुर्बल व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि सताए हुए व्यक्ति के मुंह से जब आह निकलती है तो वो बहुत ही कष्टदायी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार लोहार की जो धौंकनी होती है वो मरे हुए जानवर की खाल से बनती है, और उसको चलाने पर जो उससे हवा निकलती है उससे तो लोहा भी पिघल जाता है। जो सबल हैं, बलशाली हैं, उनसे तो लोग विरोध नहीं करते हैं, उनके सताने का सवाल नहीं होता है, किंतु जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनको प्रायः लोग सताने लगते हैं, पीड़ित करते हैं।
कबीर कहते हैं, ऐसे निर्बल दुर्बल कमजोर लोगों को सताना बहुत बुरा कार्य है। जिस प्रकार लोहार की धौंकनी में मरे हुए जानवर की खाल लगती, लेकिन उस धौंकनी से धौंकते समय जो हवा आती है वो आग को इतना अधिक तेज कर देती है कि लोहा भी जलकर राख हो जाता है। अगर इन दुर्बल व्यक्तियों को सताया जाएगा तो जो इनकी आह है, जो इनका कष्ट है, जो इनकी वेदना है, जो इनका दर्द है, वो कभी न कभी बड़े सबल और बड़े ताकतदार सताने वालों को भी नष्ट कर देता है। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, मोए खाल की स्वास सो सार भसम होए जाए, सार भसम होए जाए, सार भसम होए जाए।